नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में शिक्षा की बात जब भी होती है, बिहारवासी के साथ साथ बिहार से बाहर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के इतिहास को खंगाले तो छप्पर फाड़, चोरी और कॉपी छाप परीक्षा पास करने के कई मामले सामने आ जाएंगे। साथ ही बिहार के सरकारी स्कूल की व्यवस्था आज किसी से भी नहीं छिपी है, जिसके बाद अगर कोई आकर ये कहे कि बिहार के जिले पढ़ाई के मामले में देश में टॉप 5 में शुमार है, तो आप भी एक मिनट के लिए हमारी तरह शॉक जरूर होंगे। लेकिन ऐसा सच में हुआ है। हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट में शिक्षा के मामले में जिन टॉप 5 जिलों को चुना गया, उसमें से पहले स्थान पर तो कोई और जिला है, लेकिन बाकी के जो 4 जिले हैं वो बिहार के हैं, जिसने सबको ही चौंकाने का काम किया है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही गरीबी के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार की पोल खोल दी थी, जिसके बाद ऐसे आंकड़े का सामने आना खुशखबरी तो है ही, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक काम किए जा रहे हैं इस बात के संकेत भी है। वहीं नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट की बात करें तो ट्वीट में लिखा गया कि शिक्षा के मामले में देश के टॉप 5 लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर झारखंड की उपराजधानी दुमका है, बाकी के अन्य 4 जिले बिहार के हैं। ये सभी जिला शिक्षा क्षेत्र में अक्टूबर 2021 में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए टॉप 5 की सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं अगर हम जिलों की बात करें तो इसमें मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा का नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीति आयोग की तरफ से डेल्टा रैंकिंग को देश के 6 विकासात्मक क्षेत्र में 112 से अधिक महत्वाकांक्षी जिलों की तरफ से की गई प्रगति के माप के रूप में मापा गया है। रैंकिंग के लिए स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र को भी ध्यान में रखा गया था। नीति आयोग का कहना है कि शिक्षा आत्मनिर्भर भारत की महत्वपूर्ण कुंजी है, जिस पर बिहार सरकार का शिक्षा विभाग भी खुश नजर आ रहा है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए चारों जिलों के शिक्षा अधिकारियों को खूब बधाई भी दी गई है, जिसके बाद आने वाले समय में बिहार के अन्य जिलों की भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की प्रेरणा मिली है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को अक्सर काफी ज्यादा किरकिरी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके ही सही मगर बिहार की स्थिति बदल रही है। आलम कुछ यूं है कि बिहार सरकार लगातार इसी कोशिश में है कि बिहार के हर वर्ग के बच्चे स्कूल जाए, ताकि उनका और बिहार का आने वाला भविष्य उज्जवल हो। यही कारण है कि बिहार सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि बिहार के सभी जिलों के छात्रों के साथ साथ छात्राओं की शिक्षा भी मजबूत हो, लोग प्रेरित हो कि उन्हें अपने बेटे के साथ साथ बेटियों को भी पढ़ाना है। इसी कड़ी में ये नीति आयोग की रिपोर्ट जो सामने आई है, वो बिहार सरकार और बिहारवासियों के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार अपने नाम और नए कीर्तिमान को दर्ज करे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।